दिल्ली में किसानों ने अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इसी क्रम में नागपुर के बेसा चौक में स्वाभिमानी किसानों द्वारा सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया गया है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन शुरू है, अभी भी किसानों को केंद्र की ओर से कोई भी राहत नहीं मिली है। देश का किसान हर पल तिल तिल मर रहा है। देश के किसानों की काफी लचर हालत हुई है। इस विषय को लेकर कई बार आंदोलन किए गए, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। मानो ऐसा लगता है कि भारत यह कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि किसान बदहाली देश है। दिल्ली में किसान द्वारा किया जा रहा आंदोलन अब राज्य के हर शहर में जंगल की आग की तरह फैल रही है। इसी क्रम में नागपुर के बेसा चौक में किसानों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे देते हुए स्वाभिमानी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर विरोध किया और स्वाभिमानी के नेता रविकांत तूपकर ने जानकारी दी। शेतकरी विरोधी कृषि विधेयक मागे घ्या या मागणीसाठी लाखोंच्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या बॉर्डरवर 6 दिवसापासून बसलेले आहेत। केंद्र सरकारला मात्र या शेतकऱ्यांशी काही घेणं देणं नाही। सरकार तोडगा काढायला तयार नाही। सरकार आपल्या मस्तीमध्ये व्यस्त आहे। म्हणून केंद्र सरकारला जाग आणण्यासाठी आज महाराष्ट्रामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं आंदोलन पुकारलेलं आहे आणि दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आज आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे। आज नागपूरमध्ये या मुख्य चौकामध्ये आम्ही केंद्र सरकारचा प्रतीकात्मक पुतळा जाळून या ठिकाणी निषेध नोंदवलेला आहे आणि सरकारचा निषेध केलेला आहे। केंद्र सरकारला आमचं एकच सांगणं आहे की ताबडतोब दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन तातडीनं त्यावर तोडगा काढा। अन्यथा आज दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरू आहे, भविष्यामध्ये 2-3 दिवसात जर मार्ग निघाला नाही तर संबंध देशातला शेतकरी अत्यंत आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरेल आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा राजू शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जसं दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे त्याच्यापेक्षाही उग्र स्वरूपाचं आंदोलन महाराष्ट्रात केल्याशिवाय राहणार नाही। अब देखना ये होगा कि क्या स्वाभिमानी द्वारा किए गए आंदोलन से किसानों को न्याय मिलेगा या नहीं, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।